अभिनेत्री आरती सिंह आज परिणय सूत्र में बनने जा रही हैं। अपने बॉयफ्रेंड दीपक चौहान के साथ वो मुंबई में शादी रचा रही हैं। दोनों के प्री वेडिंग कार्यक्रम की तस्वीरें और वीडियोस तो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई। वहीं अब फैंस ये भी जानना चाहते हैं कि आखिर दीपक चौहान हैं कौन और कैसे इनकी लव स्टोरी परवान चढ़ी। नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। बता दें कि आरती फिल्मी बैकग्राउंड से हैं। वो अभिनेता गोविंदा की भांजी हैं, वही कॉमेडियन और एक्टर कृष्ण अभिषेक उनके भाई हैं। बात करें दीपक चौहान की तो वो एक सफल बिजनेसमैन हैं और एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के संस्थापक भी हैं। इसी के साथ दीपक रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। आरती सिंह के होने वाले पति 38 साल के हैं। वहीं अगर आरती की उम्र की बात करें तो आरती अपने पति से 1 साल बड़ी है, यानी कि वो 39 साल की है। वही इंटरव्यू में आरती ने खुलासा किया था कि दीपक से उनकी पहली मुलाकात एक आंटी के जरिए हुई जो कि मैच मेकर हैं। आरती ने यह भी कहा था कि दीपक के साथ उनकी ये अरेंज मैरिज है, इसमें कोर्टशिप पीरियड था क्योंकि वो एक दूसरे को जानना चाहते थे। वही एक्ट्रेस ने यह भी कहा कि दीपक और उनकी बात बीते साल जुलाई में हुई। एक्ट्रेस ने नवंबर में इस रिश्ते के लिए सीरियस होने का फैसला किया, हालांकि तब तक वो आगे नहीं बढ़े जब तक कि उनके परिवार वालों ने इसकी मंजूरी नहीं दी। आरती के मुताबिक दीपक ने इस साल जनवरी में ही उन्हें प्रपोज किया था। दीपक ने आरती को 1 जनवरी को दिल्ली में उनके गुरुजी के मंदिर में शादी के लिए प्रपोज किया था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि ये कपल हमेशा खुश रहे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।